खेड़ा, जो कि कांग्रेस की एक्स लीडर अब आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुनिए। बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां पे धक्का देके, और उस समय सिर्फ एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख भंग करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहां से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहां पे हम सपने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहां पे मुझे अंदर तीन आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में सीढ़ियों से, जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती हुई गई चिल्लाती हुई सीधा प्रदेश के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखा बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहां बनता रहा। मैंने मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया, और घड़ी ऐसे फट फट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरी मैं वो सोचती भी हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ।